हेलो दोस्तों, मैं हुरजात, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आप सभी के फेवरेट नील भट्ट जो कि गुम है किसी के प्यार में विराट थे, अब वो बन चुके हैं यहाँ पर अर्जुन। जी हाँ दोस्तों, नील भट्ट अपने नए किरदार यानी कि अर्जुन को लेकर पूरी तरीके से कमबैक करने के लिए तैयार है टेलीविजन पर, और यहाँ पर उनका नया सीरियल आउट हो चुका है। और आपको कब देखने को मिलेगा, कहाँ देखने को मिलेगा, कौन स्टार कास्ट है, कहानी क्या है, कितने बजे से कहां पर इसे देखना है, सब कुछ मैं आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा, क्योंकि ये टीवी सीरियल जो है कलर्स पर आने वाला है और कलर्स की नैया को पार लगाने के लिए अब नील भट्ट पहुंच चुके हैं, क्योंकि कलर्स उन टेलीविजन प्लेटफॉर्म में से एक माना जाता है जो कि काफी बड़े सीरियल लेकर आता है, लेकिन उनकी जो लेंथ होती है वो बहुत कम होती है। कलर ज्यादा समय तक सीरियल को नहीं चलाता है, उसके बाद वो चेंज कर देता है। लेकिन यहां पर नया सीरियल मेघा बरसेंगे अब यहां पर शुरू होने वाला है कलर्स पर, जहां पर आपको नील भट्ट देखने को मिलेंगे अर्जुन के किरदार के अंदर। इसी के साथ ही नेहा राणा आपको देखने को मिलने वाली है मेघा के किरदार में, और इसी के साथ ही किंचुक महाजन भी हमें सीरियल के अंदर देखने को मिलने वाला है। हालांकि नेहा शर्मा और किंचुक महाजन का जो प्रोमो था वो आउट हो गया था और उसमें नील भट्ट कहीं पर भी नजर नहीं आए थे, तो लोग डिसअपॉइंट हो गए थे नील भट्ट के फैन की, नील भट्ट के आने की बात थी, लेकिन नील भट्ट तो प्रोमो में नहीं है और नील भट्ट इतने बड़े एक्टर हैं कि उनको प्रोमो में नहीं लिया, तो लगता है नील भट्ट अब सीरियल में नजर नहीं आएंगे। लेकिन फाइनली यहां प्रोमो भी आउट हो गया, नील भट्ट अर्जुन के रूप में इंट्रोड्यूस भी हो गए हैं, और आपको अब मैं कहानी भी बताता हूं सीरियल की किस तरीके की है और आखिरकार किंचुक महाजन लीड है या फिर नील भट्ट सीरियल को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो आइए डिटेल के अंदर बात करते हैं सीरियल के बारे में। तो यहां पर किंचुक महाजन जो है वो मनोज का किरदार सीरियल के अंदर निभाएंगे, नेहा राणा जो है वो यहां पर निभाने वाली है मेघा का किरदार, और यहां पर मनोज जो है वो जो मेघा है उसे छोड़कर चले जाएगा विदेश शादी के तुरंत बाद ही, और यहां पर जो मेघा है उसे समाज के बहुत सारे ताने जो है वो झेलने पड़ेंगे और पूरी तरीके से रूढ़ीवादी परंपरा आपको देखने को मिलेगी, वही समाज के ताने की लड़की यहां पर है, लड़का छोड़कर भाग गया वगैरह वगैरह सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। ऐसे में यहां पर मेघा जो है अच्छी लड़की होने वाली है, बहादुर लड़की होने वाली है, और समाज के तानों से आगे बढ़कर वो आगे बढ़ने वाली है कि मैं ये पता लगाऊंगी कि आखिरकार मनोज मुझे छोड़कर गए क्यों, आखिरकार क्या वजह थी। और यहां पर सीधी सी बात है, मैं आपको आगे वजह भी बता दूंगा आज ही के वीडियो में, तो जुड़े रहना। और यहां पर जब वो तलाश में निकलने वाली है मनोज की, तो पता लगेगा मनोज भाई साहब तो विदेश जा चुके हैं। अब ऐसे में जब वो मनोज को ढूंढने के लिए जाने वाली है, तो इस सफर के अंदर जो है उसे मिलने वाला है अर्जुन, और अर्जुन जो है यहां पर सफर का सारथी बनने वाला है पूरी तरीके से मेघा का, यानी कि ये कहें कि जहां पर मेघा का मकसद है मनोज को वापस ढूंढ कर लेकर आना, उससे वजह जानना कि आखिरकार वो छोड़कर कहां गया था, तो दूसरी ओर जो है उसे अर्जुन मिलने वाला है जो कि सफर में उसका साथी बनेगा, जो कि मनोज को बनना था, लेकिन यहां पर अर्जुन वो उसका साथ देने वाला है। अब यहां पर यहीं से ही ट्रायंगल की कहानी शुरू होने वाली है, क्योंकि यहां पर किंचुक महाजन जो है सीरियल के अंदर नजर तो आ रहे हैं, पर ऐसा तो है नहीं उनको विदेश भेज दिया और वहीं पर रोक दिया, डेफिनेटली उनकी भी एंट्री वापस से होने वाली है और कुछ टाइम के लिए कहानी विदेश भी जाते हुए नजर आएगी। हालांकि सेट से अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि उन्होंने बाहर जाकर शूट किया है या फिर क्या सीरियल का बजट है इन सब चीजों को लेकर, पर डेफिनेटली यहां पर जो है हमें ट्रायंगल की कहानी देखने को मिलेगी। अब सवाल उठता है नील भट्ट के सभी फैंस का कि नील भट्ट का कितना रोल है, क्या प्रोमो में उनको एक डायलॉग भी देना सीरियल के मेकर्स ने जरूरी नहीं समझा। तो यार वो कहते हैं ना कि कई बार मेन जो चीज होती है ना उसे सीरियल के मेकर्स और मूवीज में जो है छुपा कर रखा जाता है, ताकि जब वो चीजें सामने आए ना तो एकदम बूम हो जाए टेलीविजन पर, और वही नील भट्ट करने वाले हैं, क्योंकि यहां पर जो किंचुक महाजन का किरदार होने वाला है मनोज का किरदार, वो उसका रीजन दिखाया जाएगा वही ट्रेडिशनल वाला ड्रामा कि उसने पहले से वीजा लगा रखा था एंड उसका बचपन का सपना था विदेश जाने का, और जैसे ही उसका सपना पूरा हुआ वो उसकी शादी का समय था और मजबूरन उसे छोड़कर जाना पड़ा अपने सपनों के लिए। यानी कि ये कहें कि जो किंचुक महाजन का किरदार है मनोज का किरदार है वो यहाँ पर डार्क शेडेड नेगेटिव होने वाला है, और नील भट्ट का किरदार हमेशा के लिए जो है मिस्टर परफेक्ट वाला ही होगा फॉर श्योर। यहाँ पर नील भट्ट जाने इसलिए जाते हैं और यहाँ पर पूरी तरीके से नजर आएगा। अब यहाँ मुद्दे की बात पर मैं आता हूं कि कहानी आखिरकार किसको किस तरीके से कॉपी कर रही है और आखिरकार आपको क्या देखने को मिलेगा सीरियल के अंदर, मैं उस बात पर आता हूं। सबसे पहले यहां पर 6 अगस्त से 7 बजे की टाइमिंग पर कलर्स पर आप सीरियल को देख पाएंगे। टीआरपी अच्छी ही होगी पक्का, क्योंकि यहां पर नील भट्ट और जो किंचुक महाजन है दोनों ही स्टार प्लस के
लास्ट शोज में नजर आए हैं, तो स्टार प्लस की ऑडियंस लेकर कलर्स की तरफ जाएंगे और कलर्स ने जो है दोनों स्टार प्लस के लेटेस्ट एक्टर लेकर जो है स्टार प्लस की ऑडियंस को चुरा सा लिया है और बड़ा इफेक्ट आने वाला है, ये तो तय है। लेकिन वहीं पर 7 बजे की टाइमिंग नॉर्मली जो है यहां पर इतनी ज्यादा स्पेशल नहीं मानी जाती है टीवी सीरियल के लिए, 7:30 के बाद जो टाइमिंग्स होती है उन्हें बेटर माना जाता है, बट स्टिल स्टार का तो स्टोरी काफी बेहतर है तो सीरियल चल सकता है। अब बात कर लेते हैं कहानी की इंस्पिरेशन कहां से ली गई है। तो जी टीवी पर किसी समय पर एक टीवी सीरियल आया करता था जिसका नाम है रब से सोना इश्क। उस सीरियल की तर्ज पर इस सीरियल को आप देख सकते हैं, क्योंकि जितने भी प्रोमो जितने भी स्टोरी लाइन आउट हुई और जो लेटेस्ट अपडेट बताया जा रहा है कि सीरियल की कहानी कुछ मिलती जुलती उस सीरियल से नजर आ रही है। उस सीरियल के अंदर जो है हम लोगों को नजर आए थे यहां पर आशीष शर्मा और भी कई सारे एक्टर, जो कमाल का टीवी सीरियल था उस टाइम पर जी टीवी पर उस सीरियल ने स्टार्टिंग तो बहुत कमाल की थी लेकिन लास्ट में आकर उसकी भी धज्जियां उड़ गई थी। तो यहां पर देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सीरियल के मेकर्स बंच ऑफ एंटरटेनमेंट बंच ऑफ ट्विस्ट लेकर किस तरीके से हम लोगों के सामने आते हैं। तो आप लोग नील भट्ट को मेघा बरसेंगे में देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड विराट को मिस करने वाले हैं या फिर अर्जुन को एक्सेप्ट करने वाले हैं ये भी बताइए कमेंट सेक्शन में। कोई भी सवाल है शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।